हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज तो मौसम चेंज हो गया, सावन का। कल के ही व्लॉग में मैं कह रही थी कि सावन तो आ गया पर बारिश नहीं हुई है, और आज सुबह ही जो है सुन ली हमारी और पूरे दिन इतना अच्छा मौसम था। और सबसे बड़ी बात, पूरे दिन मैं आज 12 बजे से सो रही हूँ और मैं अभी सो के उठी हूँ। मतलब मैं आधे घंटे से ज़्यादा शायद ही कभी सोती होंगी, मुझे इतनी कच्ची नींद आती है। और आज मेरे को कुछ होश नहीं है, बच्चे कब आए, कब सबने खाना पीना खाया, पापा कब आए शॉप से, मुझे कुछ पता नहीं। और अभी मुझे मम्मी ने जाके उठाया है कि अब उठो, शाम हो गई है, कुछ खाओ पियो, ताकत आएगी, पता नहीं क्या हो गया है। तो यहाँ चल रहा है, उठाया मुझे गया है और खाया यहाँ जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ देखिए सभी खा रहे हैं, सभी राधे राधे गुड इवनिंग कहिए। केशव, गुड इवनिंग। तो हाँ, वाह क्या बात है, आज एक अनोखा व्लॉग है। आज मेरे देवर जी ने बिना बोले ही गुड इवनिंग किया है और आज वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप सभी प्लीज बताइएगा, आज मेरे देवर जी कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम हैंडसम लग रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ तो ये जो नाश्ता चल रहा है ये इस वजह से चल रहा है कि कल भी चाउमीन आई है और भल्ले पापड़ी आई है। तो ये हो रहा है कि 15 दिन का फास्ट जब होगा तो घर का ही जो होता है शुद्ध खाना बनेगा, बिना नमक, बिना प्याज लहसुन का, तो वो खाएंगी। तो और ये थोड़ी सी चटोरी है जो जैसे बच्चे होते हैं स्नैक्स के लिए और चाइनीज फूड के लिए। तो हस्बैंड है भाई, इतनी चिंता तो करेंगे, आखिर 15 दिन का व्रत भी तो उन्हीं के लिए है, क्यों? हाँ। तो कल भी आया था, कल टिक्की आई थी, बहुत आलू की टिक्की आई थी, कल हम व्लॉगिंग नहीं कर पाए थे, और आज आई है चाउमीन। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मिर्च है। मम्मी को थोड़ा सा भल्ले पापड़ी टेस्ट कराया था, क्योंकि चाउमीन चिली पटेटो जो है वो मम्मी खाती नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि बउआ तो खा चुके हैं अपना भल्ले पापड़ी, अब मोनिका का मन है कि वो चाउमीन भी थोड़ी सी टेस्ट करे, क्योंकि जो उनका है कि जो लाए हैं वो थोड़ा तो खाएं। नहीं खाऊंगा हाँ। और मैडम कल भी एक कमेंट आया है कि आपका गला सूना क्यों है और आज भी आ जाएगा, तो जल्दी से आप जो है खिला पिला के गले में कुछ डाल लीजिए। नहीं नहीं, वो बउआ बिहारी है, एक बार ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, क्यों बउआ डायलॉग पूरा करो, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। चिल्लर पार्टी, व्रत आने वाला है चाची का, हैं? मौज उड़ा रहे हो आप दोनों, ये देखो ये देखो आप, तुम तो खा लो मन भर के पहले। हाँ क्या कह रहे हो माँ केशव को? केशव है माँ वो। केशव हमारे ओवर फूडी लवर है, तो उनसे कोई भी चीज़ लेना या हिस्सा जो अपना मंगवाना थोड़ा टफ होता है। तो अभी जब ये नाश्ता आया था तो कहा गया कि कौन लगाएगा, तो मोनिका बोली दीदी आप लगाओ, मैंने कहा मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, मेरे बस का नहीं है। केशव कह रहा है लाओ मैं लगा देता हूँ नाश्ता, बस मेरी प्लेट में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये मस्ती चल रही है हमारे घर एज यूजल, कि वो अपने काम में बिजी हैं और दो चार दिन से व्लॉगिंग जो है वो मेरे अंडर आ चुकी है। क्यों माँ, कैसी चल रही है आपके बहू की तैयारी पूजा की? बढ़िया चल रही है, सब तैयारी हो रही है। हाँ। साड़ी कपड़ा लत्ता सब हो चुका है, ब्लाउज सिलवा के आ चुके हैं, बर्तन और वो नाग नागिन ये सब अब बनेगा। हाँ। मटके हैं सब सजेगा, कल मार्केट। आज क्यों नहीं गए आप? मैं तो सो रही थी, मुझे तो अच्छा, आज ट्यूसडे भी है, हो सकता है इस वजह से भी नहीं गए, और मौसम भी खराब है कल। हाँ ठीक है, चलिए आप सभी खाइए, आप दोनों ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना बुआ? रोज ऐसे ही स्मार्ट लगी, रोज हम आपकी ब्लॉगिंग करेंगे फिर। तो यहाँ पे मेरे नन्हे मुन्नों ने स्नैक्स नाश्ता अपना कंप्लीट कर लिया है, और आज तो मैं थोड़ा नींद में थी, कल और परसों दो दिन मैंने नोटिस किया कि एक पंजाबी गाना है जो ये लोग बहुत गुनगुना रहे थे। मैंने कहा बहुत दिन हो गए आप सभी को कार्तिक ने कुछ सुनाया नहीं है, और केशव भी सिंगिंग बहुत अच्छी करने लगे हैं। इवन लास्ट ईयर ऑनलाइन एक कंपटीशन में केशव ने पार्टिसिपेट किया था भारत विकास परिषद का, जिसमें ये फर्स्ट आए थे,
है ना, और सॉन्ग सिखाया था मैंने, मेरे कॉलेज के टाइम का गाना इन्हें सिखाया था और ये उस कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, तो उसके लिए भी इन्हें सर्टिफिकेट मिला है, शील्ड मिली है। हाँ, तो इससे क्या हुआ है कि अब इन लोग क्लास स्कूल में टीचर्स को सर को सबको पता चल गया है। तो ऐसा होता है ना कि स्कूल में जब पता चल जाता है कि ये बच्चा अच्छा गाता है या ये कंपटीशन जीत चुका है, तो उसे हर चीज़ के लिए, हर फंक्शन के लिए जो है सबसे पहले उसका नाम लिस्ट में रख दिया जाता है। तो उसी तरीके से आने वाले 15 अगस्त के लिए ये सिलेक्टेड हैं और राखी बनाने के कॉम्पिटिशन में भी ये सिलेक्टेड हैं। तो आप सभी ने विश करिए कि अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, एक्टिविटीज़ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। फिलहाल इन दोनों का मन है कि वो सॉन्ग जो है वो आप सभी को ये दोनों सुनाएं, तो ये दोनों एक सॉन्ग सुनाएंगे अभी। अगला वा मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के डस जावे पावा पूरी जूरी नो रावा जबावा जो नो लुकावा कोई मानू ना रोके मेरे डोल जुदाइया दी मैनू खबर किवे होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ बढ़िया बढ़ाइया दी गल बात किवे होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया दास्ताना दिखलाया दिल हमारा दर्द सारा कागजात है पूरी कोई बात नहीं, इट्स ओके।